बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं सैम पित्रोदा के विवादित बयानों को लेकर। सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर कांग्रेस की परेशानियां बढ़ा दी है। सैम पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों को जैसे दिखते हैं। कांग्रेस नेता के इस बयान पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने अब पलटवार किया है, तो क्या कुछ कहा दिग्गज नेता ने आपको सुनाते हैं। सैम पित्रोदा ने देश के पूर्वोत्तर और दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में रह रहे लोगों को लेकर एक टिप्पणी की है जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। सैम पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों जैसे दिखते हैं। कांग्रेस नेता के इस बयान पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने पलटवार किया है। विरासत टैक्स पर टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। इस बार इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने देश के पूर्वोत्तर और दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में रहने वाले लोगों को लेकर टिप्पणी की है। सैम पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी एक साथ रहते हैं। यहां पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिमी भारत में रहने वाले अरब जैसे और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। सैम पित्रोदा के इस बयान पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने टिप्पणी की। एक एक्स पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए सीएम हेमंत ने लिखा, सैम भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ और भारतीय जैसा दिखता हूँ। हम एक विविधतापूर्ण देश हैं, हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सभी एक हैं। इससे पहले सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो वो केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा था। भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस चाहती है कि आम लोगों की संपत्ति का बंटवारा किया जाए। बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक और सामाजिक सर्वे कराने की बात कही गई है।